हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एस बायोलॉजी। आज के वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जेईई मेंस के रिजल्ट के बारे में कि कितनी परसेंटाइल आपका स्कोर है और कितनी परसेंटाइल के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज, यानी कि एनआईटी, IIIT और GFIIT के कॉलेजेस के अंदर से कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ही आपको बताऊंगा और कॉलेजेस के नाम भी आपको बताऊंगा। आर्टिकल में आपको दिख भी जाएगा कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और किन स्टूडेंट को जो है एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो एक्सपर्ट्स के एक्सपर्ट ने जो कुछ कहा है इस कट ऑफ के बारे में, उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जो कि जनवरी सेशन का रिजल्ट जो आ गया है, आप सभी लोगों को पता है, तो ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं। तो आपको मैं जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो बता देता हूँ कि इस एग्जाम के अंदर जो 20 स्टूडेंट है उन्होंने 100% स्कोर किया है। 100 आउट ऑफ 100, तो 20 स्टूडेंट ने 100 आउट ऑफ 100% स्कोर यहाँ पर इसमें किया है। जेई मेंस के जो एग्जाम होता है, जेई सेशन का, आपको पता है कि दो राउंड के अंदर एग्जाम होता है। जेई मेंस का दो एग्जाम होते हैं, एक तो अभी जनवरी में और दूसरा होता है अप्रैल के अंदर। और इसके बेसिस के ऊपर आपको जेई एडवांस का जो पेपर होता है उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने होते हैं, या फिर अगर आप जेई एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होते हो तो आपको एनआईटी, IIIT और GFIIT की कॉलेजेस जो है वहाँ पर आपको मिल जाती हैं। तो उसी की वीडियो के अंदर आपको मैं ये सब इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। आर्टिकल में आपको सब कुछ दिख भी रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो कि आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है और आपको कौन सा कॉलेज इसमें मिल सकता है। तो 99% अगर जिसके हैं, या फिर 99 या फिर इससे ऊपर परसेंटाइल जिन भी स्टूडेंट के हैं, तो इन स्टूडेंट को टॉप एनआईटी कॉलेज यहाँ पर आपसे 100% यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे कि अगर टॉप एनआईटी कॉलेज की बात करें, जैसे कि तिरची, नारगल के अंदर हो गया, सूरतकल के अंदर हो गया, इलाहाबाद हो गया, राउरकेला हुआ, कालीकट हुआ, जयपुर हुआ और कुरुक्षेत्र जैसे एनआईटी और IIT कॉलेज यहाँ पर आराम से आपको IIIT कॉलेज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बाकी बहुत सारी जगह हैं, कुछ ही का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, बाकी आप खुद वहाँ पर आर्टिकल में देख सकते हो। अगर आपका स्कोर 99 से लेकर 98% के बीच में है तो इसमें आपको टॉप 10 जो NITs कॉलेज हैं और टॉप 10 to 20 जो NITs जो IIITs कॉलेज हैं, जैसे कि जबलपुर, ग्वालियर और गुवाहाटी और बाकी सारे बहुत सारे हैं, तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि उनको ये कॉलेजेस यहाँ पर इनके अंदर मिल जाएंगी अगर 99 to 98% स्कोर आपका है या फिर इससे ज़्यादा है। तो अब अगर बात करते हैं 96 से लेकर 98% स्कोर है तो आपको टॉप 20 NITs के साथ साथ जो बचे हुए NITs कॉलेज हैं वो प्लस नॉर्थ ईस्ट के जितने भी NITs हैं उनके साथ साथ, जैसे पटना, रायपुर, ये जो कॉलेजेस हैं यहाँ पर आपको आराम से कॉलेज मिल जाएगा, NITs आराम से आपको मिल जाएगी और इसके अंदर आपको अच्छे स्कोप भी वहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये था 96 से लेके 98% स्कोर के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 94 से लेके 96% स्कोर जिन भी स्टूडेंट के हैं, तो इनको टॉप 25 टू लेके टॉप 31 जो NITs हैं और जो बचे हुए GFTIs कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन मिलने की संभावना हो सकती है। ये सारी इंफॉर्मेशन थी। मैंने कंप्लीट शहरों के नाम या फिर कॉलेजेस जहाँ जहाँ पर अवेलेबल है NITs या फिर IIITs और GFTIs उनके बारे में बताया नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में आपको सब कुछ दिख रहा है। तो मेन इन्फॉर्मेशन मेरे को ये बतानी थी कि इतनी परसेंटाइल अगर आपके है या फिर इससे ज़्यादा है तो आपको यहाँ यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। मैं एक सिर्फ बता रहा हूँ कि ये स्कोप आपके पास है, यहाँ पर ओनली स्कोप है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो। अपनी कैटेगरी वाइज आप देख लेना, क्योंकि ये कैटेगरी वाइज स्कोर मैंने नहीं बताया है, मैंने सिर्फ जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसके बेसिस के ऊपर ये बताया है। बाकी जिन भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप खुद देख लेना, आपका अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो ये थी इंफॉर्मेशन सारी कि जेई मेंस के रिजल्ट के ऊपर आपको ये कॉलेजेस मिल सकती हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कर देना, ताकि कोई स्टूडेंट को आराम से कॉलेज मिल पाए अगर एडवांस में एडमिशन उसका नहीं होता है। तो मिलते हैं किसी ऐसी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।